center So now we will going to learn about our chapter that is the pollution. So this chapter is of eighth standard and its subject is the science. So the pollution means the production. So now we will going to learn about the part first of the pollution. So many problems have arisen on the earth due to the human interference in nature, industrialization, increasing population, mining, transportation, indiscriminate use of pesticides and fertilizers are causing the pollution on the earth. And it is also अफेक्टिंग द ह्यूमन बींग्स तो मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण खनन ज़्यादा बढ़ती आबादी के कारण परिवहन के कारण एंड इन डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इसके कारण पृथ्वी पर प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है और ये मानव जीवन पर भी बहुत प्रभावशाली होता जा रहा है एंड द कंटेमिनेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट दैट विल बी हार्मफुल टू द इको सिस्टम इज कॉल्ड एज द पॉल्यूशन तो जो प्राकृतिक इन्वायरमेंट है उ, उसमें संदूषण पारिस्थितिक तंत्र को हानि पहुंचा सकता है उसे प्रदूषण यानी पॉल्यूशन कहा जाता है सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचुरल फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम एंड कॉजिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स और द सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज द पॉल्यूटेंट्स एंड ऑल्सो द पॉल्यूटेंट्स मेक द इन्वायरमेंट अनहेल्दी एंड पॉइजनस सो द पॉल्यूटेंट्स में भी नेचुरल और मैन मेड सो द नेचुरल पॉल्यूटेंट्स आर डिस्ट्रॉइड इन ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम बाय द नेचर्स रूल बट द मैन मेड पॉल्यूटेंट्स आर नॉट तो जो ऐसे कारक होते हैं पारिस्थितिक तंत्र पर पारिस्थितिक तंत्र के जो प्राकृतिक कार्य है उसको हानि पहुंचाने वाले कारक जो होते हैं तो प्राकृतिक कार्य जो होते हैं पारिस्थितिक तंत्र के उस पर जो कारक होते हैं वो प्रभाव करते हैं जैविक और अजैविक कारक पर हानिकारक प्रभाव होने वाले जो कारक होते हैं इन सबको प्रदूषक कहा जाता है यानी पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है और जो प्राकृतिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं प्राकृतिक प्रदूषक जो होते है। है, है। हैं एक पर्टिकुलर नेचर के रूल के अनुसार ये नष्ट हो जाते हैं बट मैन मेड पॉल्यूटेंट्स आर नॉट सो द कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय द हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज द स्मोक पर्टिकुलर गैसेज पॉइजनस गैस सस मींस पार्टिकुलेट मैटर माइक्रोब्स एटसेट्रा पारिस्थितिक तंत्र के प्राकृतिक कार्य पर प्रभाव करने वाले कारक होते हैं जैविक और अजैविक सब्सटेंसेस या फैक्टर्स जो होते हैं उस पर प्रभाव करने वाले ऐसे कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं तो इसे पोल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक कहा जाता है और जो प्राकृतिक प्रदूषक होता है एक पर्टिकुलर नेचर के रूल के अनुसार नष्ट हो जाता है बट द मैनमेड पोल्यूटेंट्स आर नॉट सो द कंटैमिनेशन

रीजन पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण के कारण सो हियर रीजन ऑफ एयर पॉल्यूशन इज फर्स्ट वन नैचुरल रीजन एंड सेकेंड वन इज द मैन मेड रीजन सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी अबाउट दैचुरल रीजन सो दर्स्ट वन इज द वॉलकैनिक इरप्शन सो द सॉलिड लिक्विड एंड गैस इज मटेरियल एमर्ज आउट थ्रू द इरप्शन फॉर एग्जाम्पल द हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर डाईऑक्साइड Carbon dioxide, ammonium chloride, vapor, dust, smoke, etc. are humans, etc. Then second one is the earthquake. So the poisonous gases and the water vapor from inside of the earth are released into the air. Third one is cyclones and the dust storms. So the dust, soil, garbage, pollutants, microbes, etc. are mixed with the air. Then fourth one is the forest fire. So the forest fire releases the carbon dioxide, sulfur dioxide, smoke into the air. And fifth. one

Uh, bacteria and the fungi are mixed with the air. now over the natural reasons of air pollution, it is get completed. second one is the man-made reasons of air pollution. so the first one is the fuel. so the burning of the fuel like the coal, timber, lpg, diesel, kerosene, petrol, etc., releases the carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, and also means the lead compounds are released into the air and the burning of the solid waste and the agricultural waste in the open space causes the air pollution then second one is the industrialization सो द हार्मफुल टाइप ऑफ एंड द हार्मुल्स टू दूट इंडस्ट्रिय सो दर्ड एनर्जी प्लांट्स एंड ब्लास्ट यूज ऑफ एलिमेंट्स लाइक दूरियम ग्राफाइड प्लुटोनियमीजेज रेडिएशन इन टू द एय एंड द एय पोलूशन ऑकर्स तो मानव निर्माण कारण कौन से होते हैं वायु प्रदूषण के जैसे कि सबसे पहला फ्यूल यानी इंधन तो जैसे कि बर्निंग ऑफ द मतलब

कर रहे थे और ऐसे सेम स्थिति 3 टू 6 दिसंबर 1962 में भी हुई थी एंड इन 1948 द पेटर्सबर्ग वर नेमड एज द ब्लैक सिटी व्हेन द स्मोक एंड द सूट कॉज द नाइट लाइक सिचुएशन ड्यूरिंग डे टाइम तो 1948 में पेटर्सबर्ग जो नामक शहर है उसे ब्लैक सिटी नाम दिया गया था क्योंकि इस वक्त जो मतलब स्मोक यानी धुएं ने दिन के समय को रात के समय में बदल दिया था So now we will see about the air pollutants its source and its effect. So here the first one air pollutants is sulfur dioxide. So sulfur dioxide source is the factories where mineral oil and the the factories means the factories where coal and mineral oil are used as the fuel and its effect is the irritation of the eyes respiratory tract excess mucus cough etc. So here here air pollutants are in sulfur dioxide. The sulfur dioxide source क्या है कारखाने जिधर कोयले और जो मिनरल ऑयल है इसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसका प्रभाव होता है कि आंखों में जलन होती है खांसी होती है एक्स न्यूकस देन सेकेंड वन एयर पोल्यूटेंट इज द कार्बन मोनोक्साइड कार्बन मोनोक्साइड सोर्स इज द वैक्यूलर एंड इंडस्ट्रियल स्मोक

ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का सोर्स है कि मतलब वाहन के धुएं और इसका प्रभाव है कि जो श्वासन तंत्र है और जो फेफड़े होते हैं उसमें जलन होती है देन फोर्थ वन इज द पर्टिकुलर मैटर सो द पर्टिकुलर मैटर सोर्स इज द वेक्यूलर एंड इंडस्ट्रियल स्मोक एंड इट्स इफेक्ट इज द रिस्पेटरी डिजीजेस तो पर्टिकुलर मैटर का सोर्स क्या है वाहन के और कारखाने के धुएं और इसका प्रभाव होता है रिस्पेटरी डिजीजे वाइक्यूलर एंड इंडस्ट्रियल स्मोक एंड इट्स इफेक्ट इज द सिलीकोसिस तो डस्ट का सोर्स क्या है वाइक्युलर एंड इंडस्ट्रियल स्मोक और इसका प्रभाव क्या है सिलिकोसिस है दैन नेक्स्ट वन सिक्स इज द पेस्टिसाइड सो इट्स सोर्स इज द प्रोडक्शन एंड यूज

Source and effects, these are all together our seven air pollutants. We have seen about its source and also about its effects.

ऑल आर नोन एज द ग्रीन हाउस गैसेज तो सिमिलर टू मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो सी एफ सी और मीन्स सी एफ सी मिथैन ये सब भी जो हीट है इसे ट्रैप कर लेते हैं एब्सॉर्व कर लेते हैं और कलेक्टिवली इन सबको एक साथ कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेज एंड द ग्लोबल टेम्परेचर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इट कॉजेज मीन्स ड्यू टू दिसमोस मींस द एटमोस्फीयर इज चेंजिंग इट है डिस्टर्बेंस इन द एग्रीकल्चरल लीड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन And the distribution of the wild animals. Icebergs and glaciers are means icebergs and glaciers are melting and causing increase in the sea level. So now we will see about the acid rain and its effect. So acid rain they can. What is acid rain or effect So the oxides of the sulfur and nitrogen are released into the air through the burning of the coal, timber, and fuel oils. So those oxides mix with the rain water uh, and form the acids such as the nitric acid.

बॉडीज़ में होता है या पाइप्स में होता है तो इससे जो मेटल होते हैं या जो मतलब प्लास्टिक होते हैं ये लीक होने लगते हैं इससे क्या होता है कि पानी में ये लीक होते हैं तो इससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो जाते हैं सो दिस इज अबाउट अवर एसिड रेन एंड इट्स अफेक्ट Effects. It is get completed. Next one we will see that is the preventive measures of air pollution. So, first one is that smoke emerging from the factories releases the harmful particles. So that's why the pollution controlling machinery should be used. For example, arresters and filters. Second one, the proper disposal of the stinking waste generated in the cities. Third one, control on the atomic test and also the chemical weapons. And fourth one is control or ban over CFC production. So prevent uh, ट मेजर्स कौन से हो सकते हैं एयर पोल्यूशन के जैसे कि जो स्मोक होता है या फैक्ट्रीज के द्वारा निकलता है तो ये बहुत ही हानिकारक पदार्थों तो भी निकलते हैं तो इसी के लिए हमें जो मतलब पॉल्यूशन कंट्रोलिंग मशीनरी है इसका इस्तेमाल करना चाहिए सच फॉर एग्जाम्पल सच एज द अरेस्टर्स एंड द फिल्टर्स और जो अच्छा अच्छा जो निपटान होता है जो शहरों में कचरा निकलता है इसका अच्छे से निपटान होना चाहिए एटोमिक टेस्ट या एटोमिक टेस्ट और केमिकल वेपन्स पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए एंड ऑल्सो द कंट्रोल बैन ओवर सी एफ सी प्रोडक्ट So, here it is important for the citizens to know about their extent of the air pollution in their city. So, as to define the means so as to define the air quality index, the proportion of the sulfur dioxide, nitrogen dioxide, ozone particulate matter, etc., is measured every day. And the words indicating the air quality index are also displayed. Uh, it, it means it is also displayed in the busy squares in the metro cities. So, this is all about our the part one of the pollution. It is get completed in this in this one. Part we have learned that so the contamination of natural environment which that will be harmful to the ecosystem is called as the air pollution. So the factors affecting the natural functions of ecosystem and causing harmful effects on the abiotic and biotic factors are called as the pollutants. So the pollutants may be natural or the man-made. We have learned about the air pollution. In it, in it, uh, the air pollution we have seen about the air pollution uh, natural effects and also the man-made uh, man-made effects and also we have seen in the natural effects we have seen. About about the volcanic eruption, earthquakes, cyclones, and dust storms. Microbes in the air, and also in the man-made means. Also in the man-made, we have seen about the industrialization and about the fuel. And we have seen about the air pollutants, its source and its effects, and also the worst-ever industrial accident has been occurred on the Bhopal at the night of 2nd December 1984, and about 8,000 people died due to the accidental gas leakage. And also we have seen about the effects of air pollution on plants and animals. We have seen about the acid rain and its effects and also the preventive measures of air pollution so this is all about our the part 1 of the chapter pollution which is get completed and also we shall learn about our the second one part also jai hind